बस एक बार फिर से आपका स्वागत है तो चैनल चपाती पर। आज तो चपेड़ पढ़नी चाहिए, ये गलत नाम लेके ब्रोज आज तो चपेड़ पढ़नी चाहिए। क्रिंजी कंटेंट। आज हम एक बार फिर से वीडियो बनाएंगे अपने शकीबदी टॉयलेट के ऊपर, वो इसलिए क्योंकि मैं अभी हक के आया हूँ। तो जब मैंने हका तो मेरे को शकीबदी की याद आ गई, तो मैंने सोचा क्यों ना आज शकीबदी के सीजन 3 के ऊपर रिएक्शन देते हैं, एकदम से मस्त लगेगा। और वन सेकंड ब्रोज, चाचा जी यहाँ पर बैठे हुए कब से उदास, प्लीज इसकी हेल्प कर दो, सब्सक्राइब का बटन दबा दो। तो या अगर आपने अभी तक चैनल के ऊपर सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे स्क्रॉल कीजिए, वहाँ पर सब्सक्राइब का बटन होगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना, और अगर आपने कर दिया तो लेट्स गेट वन लाइक। तो बेसिकली ब्रो थोड़ी बहुत मैंने सर्च की शकीबदी टॉयलेट के ऊपर, और जब मैंने लिखा शकीबदी टॉयलेट तो मेरे को मिलता शकीबदी वाले भैया जी स्क्विड गेम के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये रहे अपने शकीबदी टॉप टॉप वाले ओरिजिनल सर जी। एंड ये कहाँ पहुंच, ऐसे नहीं है भाई, ये देखो जेब के अंदर टिश्यू लेके घूम रहा हूँ। ये देखो शकीबदी वाले सर जी आ चुके हैं यहाँ पर, मैं काम करता हूँ स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ। बहुत फनी है यार ये वाला, बहुत ज्यादा फनी है। फंक्शन खुल रहा है, पड़ी उसको बुलेट। सारे बंदे एक पे ये नाच रहे अपना। कब्जा करने वाली थी, और उसी वक्त हमें मिलता है कैमरा मैन, और कैमरा मैन ने शकीबदी को मारने का एक सोल्यूशन निकाल कर रखा हुआ है, और वो है उसको फ्लश करना। एंड ऑब्वियसली ब्रोस आगे बढ़ने से पहले आपको लास्ट वाले वीडियो के अंदर दर्शन हुए थे लॉर्ड होली शिट, ये लॉर्ड होली शिट है। अभी कंटिन्यू करते हैं सीजन नंबर 3। ओके ब्रोस यहां पर फुल ऑन वॉर शुरू हो चुका है, कैमरामैन टॉयलेट को चक चक के फेंक रहे हैं भाई। ये देखो चारों तरफ से हमला ही हमला, एक और गया फ्लश भाई बड़े वाला। ओ माय गॉड यार, ये वाला बहुत ज्यादा स्केरी है यार। वे व्हाट भाई साहब, भाई मेरे को एक बात पहले समझाओ यार, आगे बढ़ने से पहले ये शकीबदी का जो क्रिएटर है पहले मेरे को एक बात समझाओ, इतने बड़े बड़े वेपन्स हैं शकीबदी टॉयलेट के पास, इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं, वेपन्स मार रहा है, बजूकास मार रहा है, लोगों को खा रहा है, लेकिन इसका अंत पता कैसे होता है, इसको फ्लश करना है, ये क्या लॉजिक था, नहीं लॉजिक क्या है ये। और दूसरी बात गाइस मेरे को समझनी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है ये देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं स्पेशल लॉर्ड पुनीत लेवल की गधा पंती। भैंस की टॉयलेट में से लेजर निकल रही हैं, सुपरमैन देख रहा होगा तो क्या सोचेगा, कौन सोच रहा है ये चीज़, टॉयलेट में से लेजर कैसे निकल सकती है यार। ओके अभी आता था नेक्स्ट एपिसोड, तो ये क्या है, होली मूली, वो देखो ऊपर से बंदे छलांग मार रहे हैं उसको फ्लश करने के लिए, ये देखो ये देखो भाई साहब। तो बेसिकली ह्यूमंस एंड कैमरामैन एक ही टीम में, और शकीबदी को मारने की पूरी प्लानिंग करके रखी हुई है, और ये यहाँ पर देख रहे हो पता नहीं कौन सी चीज लेके उड़ रहे हैं भाई, ये पुराने जमाने का कैमरा लग रहा है मेरे को, बट एनीवेज ब्रोस कैमरे के अंदर लोग सफर कर रहे हैं, कैमरे उड़ रहे हैं। अब मेरे को एक बात समझ में आ चुकी है, हम कैमरामैन से क्यों फाइट कर रहे हैं, ये किसी ने सोचा कि कैमरामैन से क्यों फाइट होती है, इसका लॉजिक भी ब्रोस मेरे को समझ में आ चुका है, बिलीव नहीं करोगे मैंने पूरी रिसर्च मार ली सीजन 3 के ऊपर। तो बेसिकली ब्रोस टीवी के ऊपर आपको देखने को मिलता है कि जितनी भी चीजें जैसे डॉक्यूमेंट्रीज होगी, वॉर होगी, न्यूज होगी, वाइल्ड लाइफ होगी, खतरनाक चीजें होगी, गोलीबारी होगी, हर एक जगह पर कैमरामैन होता है इनको शूट करने के लिए। तो मतलब कि कैमरामैन बहुत ज्यादा ब्रेव है, हर एक सुनारे पर पहुंचा होता है वो, भैंस की घना जंगल हो और शेर चीते के ऊपर हमला करो कुछ भी हो रहा हो, कैमरामैन इतना ब्रेव है कि वहां पर पहुंच के इनकी शूटिंग करेगा भाई। तभी हमने चुना है कैमरामैन को एज अ मेन कैरेक्टर। अभी मेरे को समझ में आ चुका है कि कैमरामैन का मेन रोल क्या है। ये देखो कैमरामैन की पूरी आर्मी, फुल ऑन आमने सामने वॉर। ये कौन सा ताऊजी टॉयलेट है भाई, इतना मुंह मत बनाओ नींद आ जाएगी आपको। होली मूली भाई क्या वेपन्स है उनके पास यार। तो बेसिकली ब्रोस अगर मैं यहाँ पर देखूँ ना तो ये लोग आई थिंक पॉलिटिक्स और आर्मी का यूज कर रहे हैं यहाँ पर भाई साहब, एक ही बार में पूरी वेव लेके उनकी। तो ये सीजन 4 था, काम करते हैं फटाफट से सीजन 5 भी चेकआउट कर लेते हैं, क्या कर रहा है। ओके तो ये भाग रहे हैं, टॉयलेट की आर्मी एकदम से ओवर पावर हो चुकी है, लेकिन अपना कैमरामैन का ट्रैप देखा भाई साहब, इसको ऊपर से नीचे गिरा दिया यार। अरे नहीं अभी तो मर चुका है भाई, उसके ऊपर जॉन सीना का चॉक स्लैम मार रहा है। बेसिकली ये ट्रैप था, मतलब कि टॉयलेट की आर्मी इसके पीछे आएगी, एंड एट द एंड हमारे जो कैमरामैन ऊपर खड़े हैं
स्टिकी बॉम्ब लगा दिया, भैंस की स्टिकी बॉम्ब GTA की तरह। तो अभी हम यूज कर रहे हैं बाबा टीटू के ट्रैप्स। इनको मारने के लिए दिमाग और बाबा टीटू का ट्रैप्स होना बहुत जरूरी है। ओके, अभी देखते हैं नेक्स्ट वाला एपिसोड। वे व्हाट, अबे देखा कैमरा टॉयलेट है इनके पास। व्हाट, आई थिंक गाइस ये डमी हो सकता है। तो ये है टॉयलेट का ऑफिस। अरे भाई साहब, हम कैमरा टॉयलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके ऊपर नजर रखने के लिए। ब्रो स्पाइंग चल रही है फुल ऑन। लेकिन अपना कैमरा पकड़ा गया भैंस की आंख। भाई मैं एक्चुअली ये देख के डर गया था यार। और ऑलराइट बॉयज, अभी आ रहा है एपिसोड नंबर 2। तो यहाँ पर दो कैमरामैन छत के ऊपर खड़े हुए हैं और क्या देख रहे हैं, स्किबिडी टॉयलेट की पूरी परेड निकलने वाली है यहाँ पर। लेकिन इनके पास भी खतरनाक वाले हथियार आ चुके हैं। भैंस के ऊपर से हम लोग अब की बारी है, फट से बूम। पकड़े गए यार ये लोग तो भाई, होली मूली। ओ माय गॉड यार, अजीब लेवल का फंडा है यहाँ पर यार। दोनों तरफ से एकदम से बड़े बड़े वेपन यूज किए जा रहे हैं एक दूसरे को मारने के लिए। लेकिन कौन मर रहा है, वो इसको मार रहा है, ये उनको मार रहा है, मर कौन रहा है भाई? दोनों जीत रहे हैं या दोनों हार रहे हैं? भाई खतरनाक हो चुका है, ये बैटल जो है एकदम नया रूप ले रहा है भाई। कोई मिलिट्री लेके आ रहा है, कोई टॉयलेट लेके आ रहा है, कोई दद्दू को लेके आ रहा है, कोई बार्बी को लेके आ रहा है। मतलब की फुल ऑन मारधार चढ़ रही है यहाँ पर। लेकिन जितने भी एपिसोड गाइस मैंने अभी तक देखे ना, साफ साफ दिख रहा है कि भैंस की फिलहाल तो टॉयलेट ही जीत रहे हैं। कैमरामैन एकदम से हार रहे हैं, उनके ट्रैप सारे बस्ट हो रहे हैं यार। जितने भी ट्रैप्स बाबा टीटू के ये कैमरामैन लगा रहे हैं ना, टॉयलेट मुंह तोड़ जवाब दे रहा है उसका। और अभी ना ब्रोस मैंने बात नोटिस की, ये इनके दद्दू जीता एक्सपेरिमेंट कर करके ये लोग एकदम से म्यूटेंट बन चुके हैं। ये देखो भाई, इनकी स्पाइडरमैन की तरह टांगे निकल आई है, इसके तो पक्के निकल आए। डोरेमोन का एक्सपेरिमेंट मारा है इसके ऊपर, बैम्बू कॉप्टर लगा के आ गया यार ये। ओके बट एनीवेज, सबसे खतरनाक चीज मेरे को पता क्या लगी, सबसे खतरनाक चीज, ओ भाई ये वाला खतरनाक था। सबसे खतरनाक चीज मेरे को लगी इनका बॉस टॉयलेट जो कि अभी निकलेगा। होली भाई, कितना ज्यादा स्केरी और कितना ज्यादा खतरनाक है यार ये वाला। तो भाई मैं बता रहा हूँ कि ये कुछ ज्यादा एडिक्टिव हो रहा है। काम करते हैं फटाफट से नेक्स्ट वाला सीजन भी देख लेते हैं। और अभी फुटबॉल वॉर शुरू हो चुका है, कुछ कैमरामैन पीछे भाग रहे हैं, देख रहे हैं पीछे से भाग रहे हैं। एंड उनके मिलिट्री वाले टॉयलेट जो है भाई बहुत खतरनाक है यार, कैमरामैन अपना कोप नहीं कर पा रहा। मर गया क्या? ओए वाह, ये कौन आ गया भाई, क्या मार रहा है? लेकिन जहां तक मैंने देखा कैमरामैन हार रहा था। हाँ, मैंने लाइक कर दिया, आप भी कर दो। ब्रोस अभी गेम जो है हाथ में आने वाली है, अभी आ चुका अपना कैमरामैन बॉस, अभी खतरनाक वॉर होगा भाई। और इन पागलों को देख लो, हेलो शो नहीं चल रहा है, इसको देखो ये चिप्स खा रहा है मैकडॉनल्ड्स की, वो पॉपकॉर्न खा रहा है, उसको देखो कैमरा भाई। ड्रिंक और कैमरे का संबंध सही नहीं बैठता, तेरी मशीनें सारी अंदर से खराब जाएंगी। तभी मैं कहूँ कि आजकल की टेक्नोलॉजी खराब क्यों हो रही है। अभी क्या होने वाला? तो गाइस ये अपना बॉस कैमरामैन भाई क्या डिस्ट्रक्शन कर रहा है भाई, बड़े बड़े स्किबिडी सारे मार दिए, क्या पंच पड़ा वो भी स्लो मोशन के अंदर, ये देखो। अच्छा भाई मुंह के अंदर उसने आग मार दी उसकी। ये वाला सीन एक्चुअली बहुत ज्यादा फनी लगा, मेरे को लगा कि कैमरामैन ना यहाँ पर पप्पी लेके मारेगा इसको। ऑलराइट अभी होता है नेक्स्ट एपिसोड। भाई कैमरामैन क्या डैमेज कर रहा अपना यार। ब्रो बॉस वर्सेस बॉस, अपना कैमरामैन जीतेगा यार, ये काम खराब है यार। अरे भाग के नहीं जा सकता तो डरपोक कैमरामैन यार, सही है यार ये। यार वो मोटे वाले स्किबिडी को मारने वाला था, ये देखो यहाँ पर उसने शील्ड भी निकाल ली, लेकिन एंड मौके पर भैंस की स्किबिडी के पास बैकअप आ गया यार। अरे यार, तो ये जहाँ पर कैमरामैन ने बहुत ज्यादा डैमेज लिया और आई थिंक भाग जा रहा है, ही सबसे मेन समझदारी वाली बात है। ये डर के नहीं भागा, ये जान बचा के भागा है। दोनों में फर्क होता है, ठीक है, दोनों में ज्यादा फर्क होता है, डर के भागना और जान बचा के भागना दोनों में फर्क होता है। अगर तू डर के भागेगा तो मतलब कि नेक्स्ट टाइम तेरे को युद्ध में आने का चांस नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप जान बचा के भागे हो तो मे बी अपने आप को जाके ट्रेनिंग वगैरह करके नया आर्मर लेके वापस युद्ध के अंदर आ सकते हो। तो गाइस मेरे को चेक करना कि क्या ये बंदा नेक्स्ट टाइम युद्ध के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, और वो महान युद्ध हम चेकआउट करेंगे नेक्स्ट वाले सीजन के अंदर। तो चलिए गाइस, छोटी सी वीडियो में इतना काफी है। अगर आपको मजा आया तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वाले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड स्टूडियो।